यूपी में हमारे साथ आपने कई शहरों का सफर किया है, पर इस बार आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे नगर की सैर पर जो ऐतिहासिक है। सागर जिले के पास बसा ये ऐतिहासिक नगर है एरन। समुद्रगुप्त के दौर का ये नगर हमें उस काल में ले जाता है जिसके बारे में अब तक हमने सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ा और सुना है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से उत्तर पश्चिम में करीब 47 किलोमीटर के फासले पर बसा है ये एरन नगर। एरन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन से, तो दूसरा रास्ता खुरई बीना मार्ग से होकर जाता है। ये रास्ता सागर के नजदीक है। सागर जिले की खुरई तहसील में बीना और रेता नदियों के संगम पर बसा है एरन नगर। दो नदियों के मेल पर बसे इस नगर के ओर छोर पर भी प्रदेश की अलग अलग संस्कृतियां बसती हैं। एक तरफ मालवा है तो दूसरी बाजू बुंदेलखंड। एरन इस नगर का ये अनोखा नाम यहाँ पैदा होने वाली घास की बदौलत मिला है। एरन का ऐतिहासिक नाम एरिकेन है, जो एराका शब्द से बना है। एराका एक तरह की घास को कहा जाता है एरन में, जिसकी बड़ी तादाद में पैदावार होती है। एरन में एक घास होती है जिसको एराका कहते हैं। वो घास जो है आज वर्तमान में वहाँ कांस के नाम से जानी जाती है, जिसको नष्ट करने के बाद भी वो पुनः उगाती है खेतों में, और ये एरन के आसपास काफ़ी मात्रा में होती है। तो विद्वानों का मानना है, और मैं भी ये मानता हूँ कि सागर में जो वो एरन में जो घास है, घास के नाम से ही एरा का घास के नाम से ही एरकर्ण नाम एरन का पड़ा होगा। ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी ये मत दिया है। जहाँ तक एरन के जो प्राचीन नाम का सवाल है, ये प्राचीन नाम एरिकन हमको मुद्राओं में और विलेखों में मिलता है, और इसके बारे में कुछ विद्वानों के द्वारा समीकरण किया गया है कि यहाँ बड़ी ऊंची घास होती थी, जिसको घास को एरकच्छ कहा जाता था। तो एरकच्छ प्राकृत भाषा में है और उसी से एरिकन नाम पड़ा। एरन पर कुदरत भी मेहरबान है। विंध्याचल की पर्वतमालाओं पर बसे सागर जिले के इस ऐतिहासिक नगर में कई नदियों के तट और घाट देखने को मिलते हैं। इस नगर में इतिहास के दर्शन होते हैं तो गुप्त काल का ये नगर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी पहचाना जाता रहा है। अभिलेखों में देखें एरन सुभोग नगर भी कहलाता है। ये उस दौर में राजकीय और सैनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी रह चुका है। इस नगर की ख्याति गुप्तकालीन वास्तु विशेषों के लिए है। एरन में खुदाई के दौरान मिले ये सिक्के केवल सैकड़ों साल पीछे छूट चुके वक्त का सबूत ही नहीं है। ये सिक्के हमें सागर जिले के प्राचीन इतिहास को जानने और समझने का मौका भी देते हैं। सिक्कों की पुरालिपि से इतिहासकार मानते हैं कि ये ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के रहे होंगे। इनमें हमें एक असाधारण सिक्का भी मिला, एकमात्र सिक्का जिस पर उस दौर के राजा का नाम भी अंकित है, राजा धर्मपाल। मुमकिन है एरन के आसपास के कोई राजा रहे हों, लेकिन इस नाम के अलावा उनकी राजवंश के बारे में इन सिक्कों पर कोई जानकारी नहीं मिलती। एरन से जो हमको अभिलेख मिले हैं, ये भारतवर्ष के अभिलेखों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थान है। जैसा अभी बताया कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त का है, जिसमें जो आजकल भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में रखा हुआ है, और इस अभिलेख से पता लगता है कि एरन समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था, और यहाँ पर समुद्रगुप्त का आधिपत्य था और समुद्रगुप्त एरन के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। फिर इसके बाद में दूसरा लेख हमको प्राप्त हुआ है बुद्धगुप्त के शासनकाल का,
जिसमें कि जो कि एक गरुड़ ध्वज स्तंभ है 47 फुट ऊंचा, उस पर वह लेख उत्कीर्ण है और उसमें गुप्त सम्राट बुधगुप्त का नाम लिखा हुआ है। तीसरा लेख भानुगुप्त के समय का है, जिसमें कि हमको एरण में युद्ध के बारे में पता लगता है, जब भानुगुप्त का सेनापति गोपराज वहां पर वीरगति को प्राप्त हुआ था। चौथा लेख तोरमाड़ का है, जो कि हूण शासक था और उसका लेख वराह प्रतिमा के ऊपर लिखा हुआ है। पांचवा लेख शक राजा का है, जिसके बारे में श्रीधर वर्मा नाम का एक शक राजा था, उसके बारे में उस लेख में लिखा हुआ मिलता है। इन लेखों के अतिरिक्त लेख युक्त तमाम वहां से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पकी मिट्टी की बनी हुई मुद्रा मिली है, जिस पर की गज लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि एरिकिण नामक विषय में गोमिक नाम के अधिकारी की यह मुद्रा है। तो इस मुद्रा के लेख से भी हमको एरण के प्राचीन नाम एरिकिण के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ सिक्कों पर एराकन्या या एराकन ये नाम भी अंकित दिखाई देता है। इन सिक्कों पर राजा के नाम के बदले राज्य का नाम अंकित किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि माध्यमिका, त्रिपुरी और उज्जैनी की तरह ही एरन भी कुछ समय तक किसी प्रजातांत्रिक राज्य की राजधानी रही होगी। खुदाई में कुछ ऐसे तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जो नागवंशी और रामगुप्त राजाओं की मुद्राएं हैं। कुछ तांबे की ढली हुई मुद्राएं भी मिली हैं, जिनका समय मौर्य काल से लेकर ईसवी सन के आरंभ तक का है। एरन की खुदाई में गुप्त काल की सभ्यता के कई अवशेष मिले, चित्रों वाले बर्तनों के टुकड़े, पशुओं की आकृति वाली मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की चूड़ियों के टुकड़ों के साथ चमकीले पत्थरों के आभूषण। लेकिन इन सब में सबसे अहम खोज है सीसे का ये अर्धचंद्राकार पाट। इस पर ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में राजा इंद्रगुप्त का नाम लिखा है। राजा इंद्रगुप्त, ये वो नाम है जो अभी तक अज्ञात था। संतूर मेगा ऑफर पैक सिर्फ 40 रुपए में, जल्दी कीजिए। संतूर मेगा ऑफर पैक। एरन में हमें गुप्त काल की सभ्यता और संस्कृति तो देखने को मिली ही, खुदाई में निकले इन मंदिरों के साथ हमें यहाँ उस दौर की आस्था के दर्शन भी हो गए। ये प्राचीन मंदिर उस वक्त की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। गुप्त काल में निर्मित हुआ ये भगवान विष्णु का मंदिर है। नाम के मुताबिक मंदिर के बीचों बीच भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर के आसपास जो ये अवशेष दिखाई देते हैं, पुरातत्व के जानकार बताते हैं कि यहाँ वराह और नरसिंह के मंदिर थे, जिनमें उनकी विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। हालांकि यहाँ खुदाई में पशु रूप में वराह की मूर्ति भी मिली है। उस पर कमंडलधारी ऋषि मुनियों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। वराह की पीठ पर 12 राशियों का चित्रण भी है। मंदिरों के साथ विद्याधर और ब्रह्मा देवताओं की मूर्तियां भी यहां खुदाई में निकली हैं। केरण का इतिहास सामने लाने में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ मुख्यतः 4 अभिलेख मिले हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में हैं। समस्त भारत का सर्व प्रमुख एवं महान सम्राट समुद्रगुप्त, उसके मात्र 2 अभिलेख समस्त भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक अभिलेख हमें प्रयाग प्रशस्ति के रूप में इलाहाबाद में मिलता है एवं दूसरा अभिलेख
ईरान में मिलता है। ईरान में जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था वह आज कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। समुद्रगुप्त के पश्चात यहाँ पर उसके पश्चात के राजाओं के अभिलेख यहाँ मिले हैं, जिसमें कि बुद्धगुप्त का भी एक अभिलेख यहाँ पर मिलता है जो कि गरुण स्तंभ पर अंकित है। गरुण स्तंभ का निर्माण मात्र विष्णु द्वारा किया गया। इस अभिलेख के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि बुद्धगुप्त का अधीनस्थ सामंत राजा सुरश्मी चंद्र यमुना से नर्मदा तक के भूभाग का अधिपति था एवं उसका उप सामंत मात्र विष्णु ईरान नगर का शासक था और उसी के समय धन्य विष्णु एवं मात्र विष्णु ने गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया। तीसरा अभिलेख हमें पशुवराह की प्रतिमा पर प्राप्त होता है जो कि 8 पंक्तियों का है एवं इसे T.S. बर्ड महोदय द्वारा खोजा गया। इस अभिलेख से पता चलता है कि यह पशुवराह की प्रतिमा तोरणमाण के काल में निर्मित हुई जिसका कि काल 484 ईस्वी पूर्व का है। गुप्त काल के साक्ष्य के तौर पर दूसरा लेख विष्णु मंदिर के सामने स्थित गरुड़ ध्वज स्तंभ पर अंकित है। विशाल स्तंभ और उस पर सांपों को पकड़े हुए गरुड़ की मानव मूर्ति, नीचे चौपहल और ऊपर 8 पहल में बटे इस खंभे पर अंकित लेख में गुप्त संवत 165 की तिथि अंकित है। इस गरुड़ ध्वज के पास में ही ऐतिहासिक खंभों की पूरी कतार देखने को मिलती है। हर खंभे पर मंगलघट कीर्ति मुख वाली पत्रावली की खूबसूरत नक्काशी की गई है। खंभों के आधार पर पौराणिक दृश्य भी उकेरे गए हैं। इनमें कहीं कहीं कृष्ण लीला के दर्शन भी हो जाते हैं। गुप्त शासक वैष्णव मतावलंबी थे। बुंदेलखंड में गुप्त शासकों के कई विष्णु मंदिर मिलते हैं, जैसे झांसी के पास देवगढ़ में दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का शिव मंदिर। उसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो एरन का विष्णु मंदिर अत्यंत प्राचीन है और प्रसिद्ध है। यह पूर्वमुखी मंदिर है तथा वैष्णव धर्म का सर्व प्राचीन मंदिर इसको माना जाता है। इसकी ऊंचाई 13 फुट 2 इंच है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। इस विष्णु मंदिर के ठीक बगल में पशुवराह की एक मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय आई थी और पृथ्वी डूब रही थी तब भगवान विष्णु ने पशुवराह का रूप धरा था और अपनी दाढ़ में पृथ्वी को लटकाकर पृथ्वी की रक्षा की थी। यह मंदिर, यह जो विष्णु पशुवराह की मूर्ति है, यह तोरमाण शासक के समय निर्मित की गई। इस पर एक 8 पंक्ति का अभिलेख भी मिलता है जो कि T.S. बर्ड के द्वारा खोजा गया था। विष्णु मंदिर के पास ही कृष्ण लीलाओं के चित्र उकेरे गए हैं जिसमें कि कृष्ण लीलाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि पूतना वध और नाग लीला वगैरह पूरे कृष्ण की लीलाएं इस पर उकेरी गई हैं। अशोक वृक्ष की डालियों को पकड़े आभूषणों से अलंकृत ये शाल भंजिका भी यहाँ खुदाई में निकली है। इसकी निर्माण शैली से पुरातत्व के जानकार ये अनुमान लगाते हैं कि इनके निर्माण का समय ईसवी प्रथम शती का होना चाहिए। नायिकाओं की ऐसी प्रतिमाएं भारत में सांची के अलावा मथुरा में भी मिली हैं। आ जादू है ददरिया के तान सुनाने वाला है। गजरा लगा के नैना मगोरी मोहि डारे मोलना। वाह। गजरा लगा के नैना मगोरी मोहि डारे मोलना। अवेदारी हमर साथ आवत है बचेली बैला डीला से कुशल साहू जी। हा तय आबे गोरी वो तय आबे जो ही ना कर्मा के नाच में नचा। प्रायोजक चट्टानों से मजबूती खरे सोने। इस ऐतिहासिक नगर का मिलना इतना आसान नहीं था। सालों तक तो लोग ये जानते भी नहीं थे कि सागर जिले की खुरई तहसील की जमीन के अंदर एक पूरा नगर और इतिहास का गुप्त काल दफन है। सागर विश्वविद्यालय और पुरातत्व विभाग की कोशिशों की बदौलत आज ये नगर हमारे सामने है। सागर जिला और उसके आसपास का पूरा इलाका पुरातत्व की नजर से बहुत अहम माना जाता है। मुमकिन है कि खुरई तहसील के इस एरन नगर की
खुदाई के ख्याल के पीछे भी यही सोच रही हो। सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केडी वाजपेयी के निर्देशन में खुरई तहसील में खुदाई का काम शुरू हुआ। ये विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग की साझा कोशिश थी। जब सागर विश्वविद्यालय ने एरन में उत्खनन का कार्य कराया तो अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई और उस उपलब्धि के कारण एरन का जो पुरातत्वीय महत्व है ये भारत के पुरातत्वीय स्थानों में गिना जाने लगा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान एरन को प्राप्त हुआ, क्योंकि एरन से हमको हड़प्पा की जो परवर्तीकालीन सभ्यता है जिसको हम ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण पुरावशेष हमको एरन के उत्खनन में प्राप्त हुए। उनसे पता लगा कि एरन नाम का जो गांव है वहां पर ईसा से 2100 वर्ष पहले वहां पर सभ्यता विकसित हुई थी और उस सभ्यता के लोगों ने वहां पर निवास किया। उन्होंने एरन की सुरक्षा के लिए एक परिखा का निर्माण करवाया और उसके भीतर नगर बसाया। उस नगर के उत्खनन में हमको तमाम सारे मृदभांड, उस समय के मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पुरावशेष और बहुत से उपकरण इत्यादि प्राप्त हुए, जिससे ये सिद्ध हो गया कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था उसके बाद में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का विस्तार मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन तक हुआ था और इससे इस स्थान की पुरातत्वीय महत्व का पता लगा। खुदाई में एरन नगर के साथ जो कुछ दुनिया के सामने आया वो चौंकाने वाला था। एक खत्म हो चुके दौर की सभ्यता, संस्कृति और पूरी जीवन शैली। तस्दीक के लिए छोटी छोटी चीजें मिली जो उस वक्त के जनजीवन का पता देती हैं। मसलन मिट्टी की चूड़ियों के ये टुकड़े जो बताते हैं कि सिंगार उस दौर में भी औरत के जीवन का अहम हिस्सा रहा होगा। चित्र वाले बर्तनों के टुकड़े से हम उस काल के लोगों की कलात्मकता का अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि खुरई तहसील के इस इलाके में रह रहे लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं उसके नीचे इतिहास दबा हुआ है। एरन उत्खनन में मृण मूर्तियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। शतरंज के फांसों के मोहरों के अलावा आपके अर्धकीमती पत्थरों के मनके, अंजन सलाकाएँ, त्वचा मर्दक, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो पुरावशेष के रूप में सामने आया सुरक्षा दीवार जो 1750 ईसा पूर्व की है और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी है और 98 फीट चौड़ी है और 20 फीट लगभग ऊंचाई इसकी है। एरन से मिली वस्तुओं और इसी तरह की सभ्यता के सबूत मध्य प्रदेश में माहेश्वर, नागदा और उज्जैन में भी मिल चुके हैं। खुदाई में एरन की ये प्राचीन रक्षा दीवार भी निकली है। कड़ी मिट्टी की बनी इस दीवार की चौड़ाई 154 फुट है और ऊंचाई 21 फुट के करीब। यहाँ एक और जानकारी हमें मिली, उस दौर के लोग भी
हमारी तरह मकान बनाने में पक्की ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। वक्त के साथ इस काल में भी लोगों ने कई बदलाव भी किए। तांबे के बदले बाद में यहाँ लोहे का इस्तेमाल होने लगा। चमकीली काली पॉलिश वाले बर्तनों के कई टुकड़े मिले हैं। एरन की खुदाई में शक राजा श्रीधर वर्मा का ये लेख भी मिला है, जिससे पता चलता है कि तीसरी शती में पूर्वी मालवा पर शकों का अधिकार था। यहाँ मिले चष्टन और अन्य क्षत्रप राजाओं के इन सिक्कों से ये अंदाज भी लगता है कि यहाँ कभी टकसाल रही होगी, जिसमें हर तरह के सिक्के बनाए जाते थे। डिस्कवर एमपी छत्तीसगढ़ के साथ हमने और आपने इतिहास की किताबों में पढ़े हुए और कहानियों में सुने हुए समय के पूरे एक अंतराल, एक काल को जी लिया। ऐतिहासिक नगर एरन की यात्रा तो यही खत्म होती है, लेकिन डिस्कवर एमपी छत्तीसगढ़ का सफर अभी जारी है। मैं आपकी नई होस्ट अदिति उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सफर बहुत पसंद आया होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे नए सफर पे। नमस्कार। हम रखते हैं नजर। उठ का नहीं लगा।